समा को बहुत मौका दिए, लेकिन समा जो है वो जो ये इनका एंकर है नदीम मलिक साहब, और जिस तरह की समा की न्यूज़ है, अब हमारा और पैक नहीं चल सकता समा के साथ। तो आज से समा के एड्स बिल्कुल बंद हैं, ठीक है? 24 चैनल को, समा को, 92 को, और क्या नाम है इसका, ARY को कोई एड नहीं जाएगा बिल्कुल। एक मिनट। थैंक यू, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो जोर जोर के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज नहीं है, वो मेरी आवाज है। अच्छा, दूसरी बात क्या की आपने, दूसरी जो एक सेकंड, और जो दूसरी बात आपने कही वो ये है कि उनको हजारों फोन कॉल्स जा रहे हैं और उनको मैसेजेस जा रहे हैं, तो जाहिर है जब मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचती है जब सच बोलने की सजा, सच लिखने की सजा, टीवी पे सच कहने की सजा सहाफ़ियों को दी जाती है। एक मुल्क उतना ही आज़ाद होता है जितनी उसकी सहाफत आज़ाद होती है। मेरा मीडिया सेल था, मेरा कोई मीडिया सेल नहीं है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल मैं तब चला रही थी। मेरा कोई मीडिया सेल नहीं है। देखिए, वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल मैं तब चला रही थी। सहाफियों को खरीदा गया, उनमें पैसे बांटे गए, 10 अरब रुपया आवाज ने अपने मनपसंद चैनल्स को बेचा। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोर जोर के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज नहीं, वो मेरी आवाज है। मरियम नवाज के आज का जो एतराफ है, गैर इखलाकी तो है ही, उसके साथ साथ ये गैर कानूनी भी है। ये जो मामला है इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हमने एक सीरियस इंक्वायरी करने का फैसला किया है। हमारे पास जो क्लिप था जहाँ पे मरियम कह रही हैं कि इन इन चैनल्स के एड्स बंद कर दिए जाएं, उसकी मरियम ने खुद से आज तस्दीक की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और इसके 3 डिफरेंट वर्जन जो थे वो सोशल मीडिया से हमारे तक पहुँचे थे। पहला था एक सिर्फ समा से ही मुतल्लिक, हम समा के साथ और नहीं चल सकते, इनके एड्स बंद करने। दूसरे में वो 4 चैनल्स का नाम आता है जिसकी उन्होंने खुद से तस्दीक कर दी, और एक उसका कंप्लीट वर्जन बताया जाता है कि ये कंप्लीट रिकॉर्डिंग है। मैं वो आपको सुनवाता हूँ, और उसके अंदर बराह रास्त वो इस मजदूर आदमी का नाम लेकर कह रही हैं कि इसके प्रोग्रामों में हमें तंकीद की जाती है, इसलिए इसके ऐड बंद करने हैं। बदकिस्मती से मौजूदा वाले से स्याह तरीन दौर साबित हुआ है। सहाफी, कॉलम निगार या सच बोलने वाली कोई आवाज हो, उसको अपने सवाल की पदाश में प्रोग्राम या कॉलम की अशात बंद हो जाती है या फिर नौकरी से निकलवा दिया जाता है। तो नवाज शरीफ की हुकूमत आई, मैंने उनकी जो ऑफशोर कंपनीज थी उनके बारे में लिखा था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुझे कॉल आई थी, प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट विद यू। मैंने कहा आप रिजाइन करें, अगर आप रिजाइन नहीं करेंगे तो मैं आपके चीफ एडिटर को पकड़ के जेल में डाल दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह पता चला कि मेरे चीफ एडिटर को पकड़ के जेल में डाल दिया, तो उसकी बीवी मेरे पास आई, मैंने कहा प्लीज तुम रिजाइन कर दो वरना फिर मेरे शोहर को कौन जेल से निकालेगा। पैसे लेके दो दो टके के पैसे लेके साफी क्या कहते हैं यहाँ पे बैठे हुए आप लोग? अफनान साहब, 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 मेरी बात सुनिए सर। सर मैं आपके लहजे में आपको जवाब दे सकती हूँ, लेकिन सर प्लीज, सर प्लीज, सर मैं आपको आपके लहजे में जवाब दे सकती हूँ, लेकिन सर मैं प्लीज, मैं नेशनल टीवी का ख्याल करूंगी और आप भी करेंगे सर, प्लीज सर ध्यान से बात कीजिए, सर तमीज से बात कीजिए, आप हर तरह का आर्गुमेंट कीजिए, ये किस किस्म की बात कर रहे हैं आप? 2% की साफी सर क्या कहना चाह रहे हैं सर? प्लीज मुझे मत बताएंगे 2-2%, 3-3% प्लीज सर। अफनान साहब, अफनान साहब साबित कीजिए, साबित करें अफनान साहब, साबित करें सर, सर साबित करें, मेरे शो में कह रहे हैं आप मुझे, साबित करें, साबित करें सर, है आपके पास कोई सबूत सर? इल्जाम लगाने से पहले साबित करें अफरान साहब, अफरान साहब ये हाल है आप लोगों का सर, आप लोग झूठे इल्जाम लगा देते हैं सर, अफरान साहब आप लोग झूठे इल्जाम लगा देते हैं, होता आपके पल्ले कुछ नहीं है प्लीज।